बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बहुत ही लेटेस्ट डिज़ाइन अबाया की। तो यहाँ पे अगर आपको कोई डिज़ाइन पसंद आती है तो आप स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, आप घर पे आराम से बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं सामने सिंपल अबाया है, बस इसके अंदर लेस का यूज़ किया गया है। और अगर आपके पास फैब्रिक कम है तो आप दो कलर में इस तरीके से भी बना सकते हैं। और ये जो श्रग अबाया है इसकी जो है कटिंग स्टिचिंग भी मैंने सिखाई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सिंपल अबाया है, बस इसके अंदर लेस का यूज़ है। तो लेस आप अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं और ब्लैक अबाया को आप बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बना सकते हैं लेस लगा के। तो अबाया की कटिंग और स्टिचिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इजी है, बस डिज़ाइन देना वो आपके ऊपर है कि आप इसे किस तरीके से डिज़ाइन देना पसंद करते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा सिंपल पसंद है और जॉर्जेट के कपड़े में, तो आप देखिए इस तरीके का भी अबाया बना के रेडी कर सकते हैं, जो कि दो पीस में होता है। और सिंपल कलर से भी आप जो है एक अबाया बना सकते हैं। आजकल जो है कलरफुल अबाया का फैशन है और ज़्यादातर कॉलेज की लड़कियाँ जो है कलरफुल अबाया पसंद करती हैं। आपको अगर कोई अबाया इसके अंदर से पसंद आता है और आप सीखना चाहते हैं तो आप मुझे उसकी फ़ोटो इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे भेज सकते हैं। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है लेकिन हर किसी की रिक्वेस्ट जो है वो मैं पूरी नहीं कर सकती हूँ। पर जैसा मेरे पास टाइम मिलता है मैं उस हिसाब से वीडियो बनाती हूँ। तो आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही सिंपल है, प्लेटेड अबाया है। तो इस तरीके का भी अबाया मैंने बनाना सिखाया है। आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है तो एक बार ज़रूर चैनल पर जाके चेक करिएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बटरफ्लाई अबाया है। ज़्यादातर अबाया जो है वो जॉर्जेट के फैब्रिक में बनाया जाता है या फिर निदा या फिर दोस कपड़े में बनाया जाता है। लेकिन अगर आप अलग से स्पेशली अबाया के लिए फैब्रिक खरीदना चाहते हैं तो आपको जो है उसकी शॉप पे जाना पड़ेगा, जहाँ पे जो आपको ज़्यादा विद का फैब्रिक आराम से मिल जाएगा। लेकिन आप नॉर्मल किसी शॉप पे जाएंगे तो आपको ज़्यादा विद का फैब्रिक अबाया के लिए नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास कम विद वाला फैब्रिक है तो आप जो है जॉइंट करके अबाया रेडी कर सकते हैं, दो कलर में रेडी कर सकते हैं, या फिर इस तरीके का अबाया भी आप बना सकते हैं स्ट्रिप वगैरह लगा के, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी आपको दो कलर में अबाया सिखाने की। तो ये जो अबाया है ये बहुत ही आसान है, सेम उसी तरह की कटिंग होती है, बस हम जो है फैब्रिक को थोड़ा सा अलग कलर यूज़ करते हैं इसके अंदर, बाकी कुछ इसके अंदर मुश्किल नहीं है सिलना। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पसंद है तो उसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अभी तक अगर आपने मेरे फेसबुक पेज को फॉलो नहीं किया है तो आप लोग ज़रूर मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करिए, और इंस्टाग्राम पर भी आप मुझे फॉलो करिए, और आप वहाँ पर जो है मुझे अपनी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं।